हाय गाइस, आज सरिता किचन कॉर्नर में बनने जा रहा है आलू के पराठे। इसके लिए मैंने तेल गरम कर रही हूँ, सरसों का तेल 2 चम्मच। हाँ गाइस, हमारा तेल गरम हो चुका है तो मैं इसमें डालूंगी थोड़े से जीरा। आलू के पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं, थोड़े से राई जीरा ये हो जाए, फिर मैं इसमें डालूंगी सौंफ। सौंफ भी अच्छे लगते हैं आलू के पराठे में, आप अजवाइन सौंफ हर कुछ डाल सकते हैं। तो क्या है, डाइट के पेट के लिए भी अजवाइन अच्छे रहते हैं, डाइजेस्ट के लिए ये मैं अजवाइन भी डाल रही हूँ। अब मैं ये अदरक घिस के रखा है तो ये अदरक डाल दिया मैंने, और ये लहसुन है कटी हुई लहसुन, ये खूब सारे हरी मिर्ची, और ये प्याज 2 बड़े प्याज मैंने बारीक काट लिए हैं। ये सब इसमें डाल के और अच्छे से फ्राई करेंगे, खूब अच्छा चटपटा आलू के पराठे बनेंगे आज हमारे घर में नाश्ते में आलू के पराठे। हाँ भाई, आप कमेंट करके बताना किस किस को आलू के पराठे खाना पसंद है ना। अब ये हमारे प्याज हो रहे हैं तो इसमें मैं स्वाद अनुसार, क्योंकि मैंने आलू में नमक डाला है तो मैं सिर्फ प्याज में ही नमक डालूंगी। आलू में मैंने ऑलरेडी नमक डाल दिया है और इसमें थोड़े से हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और मैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूंगी बस। अगर आपको खट्टा खाना है तो आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं या चाट मसाला। अब इसको थोड़ा अच्छे ब्राउन होने तक प्याज को भूनेंगे, भूनने के बाद फिर मैं इसमें आलू मैश करके फ्राई करूँगी। और हमारा प्याज भुन चुका है ब्राउन होके, और मैंने आलू उबाल के रखा था मैश करके, धनिया पत्ती डाल और ये हमारी आलू। अब इसमें मैं मसाले में अच्छे से फ्राई कर लूँगी, फ्राई करके। हाँ गाइस, देखिए अब हमारा ये आलू को अच्छे से मैंने प्याज और मसाले में मिला के बढ़िया भून के 5 मिनट तक फ्राई कर लिया आलू को। आप जितना अच्छे से आलू को भूनेंगे ना हमारे पराठे में उतना ही स्वाद आएगा। और ऊपर से मैं ये धनिया की पत्ती डाल के और मिला दूँगी, उसके बाद मैं बहुत ही अच्छी क्रिस्पी पराठे बनाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ गाइस, अब हमारा ये आलू का पराठा बना रही हूँ, देखिए खूब अच्छे से मसाले भर के एकदम। जब आप आलू उबालें तो 1 सीटी उबालें, ओवर कुक आलू को मत करें, नहीं तो क्या आलू चिपचिपी हो जाती है ना, तो ये मसाले भरने में बहुत दिक्कत होते हैं, फिर फूटने लगते हैं पराठे। और अभी देखिए ये पराठे में हमेशा आलू आप ज़्यादा डालें है ना, तो पराठे बहुत खाने में स्वाद। आप हल्के हाथ से पराठे बेलें, हमारा तवा गरम है और हमने डाल दिया पराठा। मैं एक और पराठे आपके लिए बनाऊंगी, फिर मैं दिखाती हूँ कि आपके पराठे कितने बढ़िया बन रहे हैं। हाँ भाई, आप अब धीमे आँच पे अच्छे क्रिस्प होने तक बढ़िया पराठे सेक लें दबा दबा के, फिर इतना अच्छा क्रिस्पी होगा आपके आलू के पराठे, खाने में उतना ही बढ़िया लगेगा। देखिए हमारे आलू के पराठे कितने अच्छे बढ़िया और क्रिस्प आप सब लोगों के लिए रेडी हो रहे हैं। गाइस, एक और मैं बना के आपको बताऊंगी। हाँ गाइस, देखिए अब आपके लिए गर्मा गर्म पराठे तैयार है दही और चटनी के साथ, आप इंजॉय करें सैलेड दही चटनी। आलू के पराठे अच्छे लगे हो तो सरिता किचन कॉलर को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।